मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा ये कोशिश करती हूं कि आप सब तक आयुर्वेद की ट्रू और फैक्ट बेस्ड नॉलेज शेयर कर सकूं, जिससे आप सब आयुर्वेदा को अपनाकर हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज हम बात करेंगे सफेद दाग के लिए कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मैंने पहले भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस बताई हैं जिसमें बताया कि सफेद दाग के लिए ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आज मैं बताऊंगी कि पांच मेन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप खाते हैं तो सफेद दाग ठीक होना बहुत मुश्किल है, या ऐसा कह लीजिए कि अगर ये पांच चीजों में से आप एक भी चीज खाते हैं तो सफेद दाग ठीक हो पाना नामुमकिन है। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में चाहे वो कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हर बीमारी के लिए पथ्य अपथ्य बताए गए हैं। पथ्य यानी कि जो उस बीमारी में चीजें फायदा करती हैं, जिन्हें हमें ज्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए, अपथ्य जिनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सफेद दाग में भी बहुत डिटेल में पथ्य अपथ्य बताए हैं। कुछ पेशेंट्स तो इस बात को समझते हैं और कुछ पेशेंट्स ये नहीं समझते कि ऐसा क्या होता है कि जो इतनी चीजें खाने की मना है। तो मैं कई बार अपने पेशेंट्स को समझाने के लिए भी बोलती हूँ कि सफेद दाग में जो हम अपथ्य यानी कि जो खाने की चीजें मना है उनका सेवन करते हैं तो उसका असर धीरे धीरे दिखता है। तुरंत दिखता होता तो ये बात सबको क्लियर हो जाती। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि अगर आज किसी को डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी है और वो बहुत सारी चीनी खा ले या कोई बहुत सारी मिठाई खा ले तो उसका ब्लड शुगर लेवल तुरंत ही बढ़ जाएगा और उसे पता चलेगा कि हाँ ये चीज मुझे नुकसान करी। लेकिन सफेद दाग के केस में क्या होता है कि अगर आप कोई खट्टी चीज या कोई ऐसी चीज खाते हो जो सफेद दाग के लिए अच्छी नहीं है तो वो दागों को बढ़ाती तो है लेकिन तुरंत नहीं बढ़ाती। उसका असर दिखने में 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने ऐसा हो जाता है। इस वजह से लोग खट्टी चीजों का सफेद दाग पे कितना इफेक्ट है कई बार इस बात को समझ ही नहीं पाते। अगर तुरंत खाके ही सफेद दाग हो जाता, जैसे आज नींबू खाया और कल सफेद दाग बढ़ गया, तो इससे सबको समझ में आता कि हाँ इन चीजों का कितना नुकसान है। नुकसान अभी भी उतना ही है, यानी कि जो उसका इफेक्ट है हमें देर में दिखाई देता है लेकिन इफेक्ट उतना ही है जितना कि हम शुगर में चीनी खाते हैं तो एकदम शुगर बढ़ती है। ऐसे ही अगर आप सफेद दाग में ना मना करने वाली चीजें खाएंगे तो वो एकदम बढ़ेंगी। तो आज मैं बताऊंगी पांच ऐसी चीजें जो सफेद दाग रोगियों के लिए बहुत खतरनाक है, जिनका अगर वो सेवन करते हैं तो दाग बढ़ भी सकते हैं और दागों को ठीक होने में भी मुश्किल हो सकती है। इसमें सबसे पहला नाम है कच्चा टमाटर। जी हाँ, टमाटर जो है उसको आप सलाद में या किसी भी रूप में अगर कच्चा खाते हैं तो सफेद दाग बिल्कुल बढ़ सकते हैं और उन्हें ठीक करने में भी दिक्कत आ सकती है। टमाटर का उपयोग मैं कई बार बताती हूँ कि हम सब्जियों में पकाकर थोड़ी मात्रा में जरूर कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पका हुआ टमाटर भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मतलब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आप सब्जी बना रहे होते हैं, मान लीजिए आप आलू मटर की सब्जी बना रहे हैं, उसमें आप एक टमाटर डाल रहे हैं तो वो टमाटर कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रहा, सभी चीजों में मिक्स हो गया और उसकी क्वांटिटी बढ़ गई और वो पक भी गया। इस रूप में तो आप टमाटर का सेवन कर सकते हैं लेकिन अगर यही टोमेटो आप टोमेटो सूप बनाने के लिए बनाएं तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म है क्योंकि ज्यादा उसमें सूप ही है। इस ग्रुप में आप पका हुआ टमाटर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसे ही बच्चे मैं सुनती हूँ, माए इतना परहेज करा रही होती हैं बच्चों को लेकिन केचप दे देती हैं कि हमने टोमेटो सॉस खिला दी। टोमेटो सॉस क्या है? वो भी टमाटर की कंसंट्रेटेड फॉर्म है, वो भी पके हुए टमाटर की कंसंट्रेटेड फॉर्म है जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो कच्चा टमाटर या पके हुए टमाटर की कंसंट्रेटेड फॉर्म इस्तेमाल करने से सफेद दाग हमेशा बढ़ता है। अगर आपका उस समय ठीक हुआ भी है, अगर आप ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं तो वो दाग वापस आता है आगे चल के। इसलिए आप ये बात का बहुत ध्यान रखें कि आप कच्चे टमाटर का सेवन बिल्कुल ना करें। अपनी सब्जी में, अपनी डिश में थोड़ा बहुत पका हुआ टमाटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टमाटर को पके हुए रूप में भी ना ग्रहण करें। नंबर टू पे मैं इसमें बताऊंगी सिरका। सिरका जो है वो भी बहुत स्वाद में खट्टा होता है, उसका इस्तेमाल भी सफेद दाग रोगी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार मैं बहुत हैरान होती हूँ, पेशेंट आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ सिरके का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे,
वो कहते हैं जी नहीं सिरके का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और फिर जब और बातें करती हूँ तो बता देते हैं जी हाँ जी हमने चिली पनीर खाया था, हमने चाउमीन खाई थी, तो ये सब क्या है? खाली सिरका तो कोई भी नहीं पीता। अगर मैं कहूँ कि हम खाली सिरका या कोई भी खाली सिरका है, सिरके का इस्तेमाल आपको अपने डिशेस में नहीं करना है, किसी भी तरह के डिश, चाहे आप उससे कुछ भी इस्तेमाल करते हो, चाहे चाउमीन बनाते हो, चाहे कोई चाइनीज चीज बनाते हो, उसमें आप अगर सिरका डालोगे तो सफेद दाग के लिए वो बहुत नुकसानदायक है, उसका आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना है। बल्कि मैं अपने पेशेंट्स को कई बार बताती हूँ, कई बार घर में बच्चे होते हैं जो चाउमीन खाना चाहते हैं, तो आप घर पे ही चाउमीन अगर बनाते हो, यानी कि चाउमीन जो है, जो नूडल्स हैं, वो भी एक्चुअली मैदे के बने होते हैं, तो मैदा का इस्तेमाल फिर भी कभी कभी किया जा सकता है, बट उसमें अगर आप खट्टी सॉस या सिरका डालते हो तो वो बहुत नुकसानदायक है। ऐसे ही नंबर 3 पे जिसकी मैं बात करना चाहूंगी वो है अचार। अचार यानी कि पिकल्स। पिकल्स भी स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बार बार अपनी कई सारी वीडियोस में बताती हूँ, जब पेशेंट हमारे पास आता है तब भी हम उसको डिटेल में डाइट समझाते हैं, और फिर भी मुझे बहुत हैरानी भी होती है, या कई बार ये भी लगता है कि शायद मेरे समझाने में ही कमी रह गई है, कि मेरे पास ऐसी भी क्वेरीज आती हैं कि पेशेंट बोलता है कि हम ना जैसे हरी मिर्च का अचार खा सकते हैं, हम उसमें खट्टा कुछ नहीं डाल रहे हैं, ना हमने राई डाली है, ना नींबू डाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी भी चीज का अचार आप उसमें खट्टा डालो या नहीं डालो, अचार बनने का जो प्रोसीजर है उसमें फर्मेंटेशन होता है, यानी कि खमीर उठता है धीरे धीरे, और वो एक इस तरह का प्रोसीजर है जिसमें कि खट्टास की उत्पत्ति होती है स्वाभाविक तौर पर ही। आप कोई भी चीज का उसमें नमक डालोगे, उसे बाहर रखोगे, धूप लगवाओगे, तो उसमें अपने आप खट्टे तत्वों की उत्पत्ति होगी, चाहे आप उसमें राई या कोई खट्टी चीज ऐड कर रहे हो या नहीं। तो अचार जो है स्वभावता, जो उसको बनाने का प्रोसीजर है, वही उसमें खट्टास लाता है, इसलिए अचार का उपयोग सफेद दाग के रोगी को कतई नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो आम का अचार हो, लौकी का अचार हो, गाजर का अचार हो, किसी भी चीज का अचार हो। अचार का सेवन सफेद दाग में हार्मफुल होता है और दागों को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट 4th नंबर पे इसमें जो मैं बात कहना चाहूंगी वो दही। दही जो है वो भी सफेद दाग के लिए बहुत नुकसानदायक है। दही जो है, कई बार पेशेंट कहते हैं हम मीठी दही खा लेते हैं, हम ताजी दही खा लेते हैं, किसी भी तरह की दही सफेद दाग रोगी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, मैं अपने कुछ एक पेशेंट्स को जिनमें 80-90% रिकवरी आ चुकी होती है या फुल रिकवरी आ चुकी होती है, दही बनाने का एक डिफरेंट तरीका बताती हूँ, एक डिफरेंट तरीके से हम दही बना सकते हैं, तब उस दही का थोड़ी मात्रा में सेवन किया जा सकता है। लेकिन जो हम यूजुअल दही खाते हैं, जो हम सब घर में उपयोग में लाते हैं, वो दही सफेद दाग के रोगी को कतई नहीं खानी चाहिए, उससे दाग बढ़ते हैं और दाग ठीक होने में दिक्कत आती है। यहाँ पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि मैं एज इट इज सिंपल दही की बात नहीं कर रही, दही एज इंग्रेडिएंट भी किसी भी चीज में यूज नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है आलू की सब्जी बनाते हैं उसमें दही डालते हैं, तो वो दही भी बहुत नुकसानदायक है अगर आप वो आलू की सब्जी खाते हैं। इसी तरह दही कड़ी में भी डलती है, वो भी बहुत नुकसान करेगी। तो आपको दही जो है खाली तो नहीं खानी है, और किसी अगर आपने डिश में एज इंग्रेडिएंट यूज करी है, कुछ लोग बिरयानी में भी दही का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप वो बिरयानी खाते हैं वो भी इक्वली नुकसानदायक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एज इट इज दही तो नहीं खानी, लेकिन अगर किसी चीज में दही डली हुई है तो वो डिश या वो पकवान का सेवन भी आपको नहीं करना है, इससे हमेशा बचना है। अगर आप दही का उपयोग और जितनी मैंने चीजें बताई हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे तो यकीनन आपके दागों में रिकवरी आएगी और दाग जल्दी जल्दी ठीक होंगे। 5th नंबर पे जो मैं बताना चाहूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है खट्टे फल जैसे नींबू संतरा। इनका इस्तेमाल अगर आप नींबू या आप संतरा या कोई भी ऐसे खट्टे फल का इस्तेमाल करते हैं जिसको जीभ पे डाल के आपको खट्टास की फीलिंग आती है, एकदम खट्टा लगता है, जैसे कि नींबू अगर आप डालते हैं या कोई खट्टा संतरा आप लेते हैं, तो ये आपके सफेद दाग को एकदम तेजी से बढ़ा देता है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कई लोग मेरे से अभी भी पूछते हैं जब मैं बताती हूँ खट्टे फल मना है, तो पूछते हैं नींबू भी मना है? नींबू तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है खट्टे फलों में, जैसे हम अमरूद भी मना करते हैं पर उसका भी पेशेंट कभी कभार सेवन कर लेते हैं, तो वो भी मैं मना ही करती हूँ, लेकिन अमरूद का इतना ज्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि अमरूद चखने में एकदम खट्टा नहीं है, तो जो नुकसान होगा वो नींबू खाने से बहुत ज्यादा है, है ना, संतरा खाने से बहुत ज्यादा है। कोई और खट्टा फल जो कि शायद मना हो लेकिन स्वाद में थोड़ा मीठा अगर आपको लग रहा है तो उसको खाने से भी नुकसान तो होगा मगर कम होगा।
तो खट्टे फल में नींबू संतरा आपको कतई नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर इसका आप सेवन करते हैं तो आपके दाग बढ़ सकते हैं, इनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। नींबू अगर किसी चीज में डाला है, शिकंजी में डाला है, तो इस तरह की चीजों का सेवन आप ना करें, इनसे बचें। पेय पदार्थ और बहुत सारे हैं, कई लोग कहते हैं अगर हम नींबू नहीं लें तो कौन से ड्रिंक्स लें, इनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। इस तरह से ये जो मैंने पांच चीजें बताई हैं, अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप ये पांच चीजें अपने जीवन में बिल्कुल ना खाएं, इनको आप बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, सफेद दाग जब ठीक हो जाते हैं, एकदम काफी ठीक हो जाते हैं और आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर से कंप्लीट हो जाता है, तो मैं अपने पेशेंट्स को तब ये पांचों चीजें भी खाने के लिए परमिशन दे देती हूँ और धीरे धीरे उनकी लाइफ में जो है इनकी एंट्रेंस कराती हूँ। लेकिन जब तक सफेद दाग ठीक नहीं होते तब तक आपको इनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और जरूरतमंदों को इसे शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।